हिंदू देवी और देवताओं की तस्वीरों के फटाकों पर देवी लक्ष्मी की देवी के अपमान को रोकने के बारे में शिवसेना दक्षिण और राज्य सरकार को निवेदन दिया गया है। शिवसेना के उपनगर प्रमुख वार्ड नंबर 19 अक्टूबर को 29 वर्षीय दीपक पोनेकर ने नगर आयुक्त, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और शिवसेना प्रमुख को फोन किया। विजय वडेट्टीवार का वक्तव्य, लक्ष्मी बम पिछले कई सालों से दिवाली पर बेचे जाते हैं और वही पटाखे नागरिकों द्वारा चलाए जाते हैं। इसी तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। दिवाली पर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसी दिन देवी लक्ष्मी की तस्वीरों वाले पटाखे लक्ष्मी बम होते हैं। आपको इसे रोकना होगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और लक्ष्मी बम को बाजार में आने से रोकना होगा। हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ हिंदू धर्म का भी अपमान होता है, यह सही नहीं है। पटाखों से निपटने वाले सभी लोग इस मामले पर ध्यान देंगे और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और इस लक्ष्मी बम को रोकने के निर्देश जारी करेगी। 22 अक्टूबर 2020 को शिव सैनिकों ने लोगों को जगाने के लिए लक्ष्मी बम के विरोध में मालगी नगर चौक में मौन आंदोलन किया। इस अवसर पर शिवसेना के उप प्रमुख दीपक पौनेकर और वरिष्ठ शिव सैनिक संजय जी पांडे, सिद्धू को माझावार, विनोद शाहू, शैलेंद्र अम्बिलकर, लकी मटरे, मोहित खांडेकर, लक्ष्मीकांत रानाडे, संकेत तिवारी, आशीष लोखंडे और अन्य उपस्थित थे। मी निवेदन शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब जी, त्याचप्रमाणे उप मुख्यमंत्री अजित दादा, गृहमंत्री अनिल जी देशमुख आणि वडट्टीवार साहेब यांना मी ईमेलच्या माध्यमातून निवेदन दिलं आहे। याचप्रमाणे आम्ही दक्षिण नागपुरातल्या शिवसैनिकांनी माळगेनगरमध्ये एक जनजागृती झाली पाहिजे म्हणून एक मुका आंदोलनसुद्धा घेतलं। याच्यामध्ये विषय असा आहे का गेल्या खूप वर्षापासून देवी देवतांचे फोटो फटाक्यावर लावून येतात आणि ही हिंदू धर्मासाठी खूप वाईट गोष्ट आहे। त्याचप्रकारे जे देवी देवता आपले आहे, ज्यांना आपण पूजतो, ज्यांची पूजा अर्चना करतो, त्यांचा हा खूप मोठा अपमान आहे। कारण दिवाळीच्या दिवशी आपण लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी लक्ष्मी देवीची पूजा करतो आणि त्याच दिवशी लक्ष्मी बॉम्ब फोडून घरासमोर त्याची चिंध्या चिंध्या करून आपण त्याचा कचरा करतो। हे कुठंतरी आपल्या देवी देवतांचा खूप मोठा अपमान आहे, हा थांबला पाहिजे। खूप वर्षापासून दिवाळी आली की सर्व लोक दिवाळी आल्यानंतर ह्या गोष्टीसाठी विरोध करतात, विरोध प्रदर्शन करतात, पण गेल्या कित्येकच वर्षापासून यावर कुठल्याही प्रकारची काही कारवाई होत नाही। ही खूप वाईट गोष्ट आहे, यावर कारवाई झाली पाहिजे। कारण हा हिंदू देवी देवतांचा अपमान आहे, हा थांबला पाहिजे। आणि याच्यानंतर आता आम्ही सर्वांना निवेदन दिलं आहे, एक मोठं छोटा आंदोलनसुद्धा घेतलेलं आहे, येणाऱ्या काळात जर समजा फटाक्यावर या प्रकारची बंदी झाली नाही तर आम्ही यासाठी आंदोलनसुद्धा करू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।